नोड जेएस सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मॉड्यूल एंड रिक्वायर। तो कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी डेवलपर जब कोई कोड को राइट करता है तो वो ये चाहता है कि उसके पास मल्टीपल फाइल्स हो, मतलब हर फंक्शन के लिए एक फाइल हो, एक से ज़्यादा फाइल हो। एक ही फाइल में हर कुछ अगर आप लिख दोगे तो वो कोड चलेगा तो, लेकिन बहुत गिज बिच हो जाएगा और जिससे आपको कोड मेंटेन करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो हम लोग इसलिए जो है कि कोड को स्प्लिट करते हैं एक से ज़्यादा फाइल में। तो अब देख लेते हैं कि नोड जे एस में हम लोग फाइल में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सर्वर डॉट जे एस फाइल है और हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ऐप डॉट जे एस। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐप डॉट जे एस रखा। और ऐप डॉट जे एस में मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करूँगा कॉन्स्ट ऐड, और ये दो नंबर लेगा एज अ पैरामीटर और फिर रिटर्न कर देगा एक स्ट्रिंग सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे ए प्लस बी। तो ये तो हो गया ऐप डॉट जे एस में। अब इस फाइल को हम लोग रिक्वायर करेंगे सर्वर डॉट जे एस में। तो कॉन्स्ट मान लो ऐड ले लेते हैं, ऐड इक्वल्स टू रिक्वायर और सेमी फोल्डर में है तो डॉट स्लैश एंड देन ऐप। इस तरह से हम लोग इसको रिक्वायर करेंगे अपने सर्वर डॉट जे एस फाइल में। अब अगर हम कंसोल लॉग करें ऐड को और दो नंबर दें जैसे 3 एंड देन 4 तो आउटपुट 7 आना चाहिए। अब चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो नोड सर्वर एंड एग्जीक्यूट, और यहाँ पे बोल रहा है, एरर आ रहा है हमारे पास, बोल रहा है ऐड इज नॉट फंक्शन, मतलब ऐड डिफाइन नहीं है। तो भाई डिफाइन क्यों नहीं है, हमने तो यहाँ ऐड को डिफाइन किया था और उसके बाद इस फाइल में रिक्वायर भी किया ऐड को, फिर ऐड क्यों डिफाइन नहीं है। तो ऐड इसलिए डिफाइन नहीं है क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोर्ट नहीं किया ऐप डॉट जी एस फाइल से, इसको हम लोगों को एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो हम लोग लिखेंगे मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट ऐड, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू ऐड। अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब ये चलना चाहिए। और सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 7, यहाँ पे हम लोगों का सही आउटपुट आ गया है। लेकिन अब मान लो कि मेरे पास एक सबट्रैक नाम का और फंक्शन हो इस ऐप डॉट जी एस में, मेरे पास एक सबट्रैक नाम का भी फंक्शन हो, मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पर ले लूँगा सब शॉर्ट में ए एंड बी, सम ऑफ की जगह पे डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। यहाँ पे अब मेरे पास एक और फंक्शन आ चुका है सब्ट्रैक्ट नाम का। तो अब हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करें, हम तो ऐड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख देंगे तो सब वाला फंक्शन एक्सपोर्ट हो जाएगा लेकिन ऐड वाला फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो हम लोगों को इन दोनों को एक्सपोर्ट करना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्स्ट को हटाकर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट सब एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट ऐड। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ऐप। अब यहाँ पे हम ऐप की मदद से ऐड को एक्सेस करेंगे, ऐप डॉट ऐड इस कुछ इस तरह से। और एक और कर लेते हैं ऐप डॉट सब, 5 माइनस 4 कर लेते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 1 एंड सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 2। ये हो गया इस तरह से करने का सिंबल। अगर आप चाहें तो आप इसको डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ऐड कॉमा सबट्रैक कुछ इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे ऐप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऐड लिख सकते हैं, डायरेक्टली सबट्रैक लिख सकते हैं। ये हो गया डी स्ट्रक्चरिंग। और फिर से रन करेंगे सेम आउटपुट आएगा। और इस फाइल में ऐप डॉट जी एस में हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको कॉन्स्ट में ही रहने देते हैं। और उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिख सकते हैं ऐड
कॉमा सब्ट्रैक्ट, तो ये भी काम करेगा, ये भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग फाइल स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं नोड जेएस में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें सपोर्ट करें। इसी तरह की और भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अभी सीरीज़ चल रही है नोड जेएस की, तो याद रखें आप पूरी सीरीज़ को देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।